सर्वप्रथम मेरा सभी को नमस्कार। आज हमारा एक आई कैंप और कैटरेक्ट डिटेक्शन कैंप हो रहा है इन एसोसिएशन विद लायंस क्लब ग्रेटर सिलीगुड़ी के साथ में, और ये कैंप हम लोग खोखला बस्ती में कर रहे हैं। और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को आँखों का प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट का इश्यूज़ है, उस चीज़ को डिटेक्ट किया जाए और रेक्टिफाई किया जाए। तो आज जैसे कि हमारा कैंप सक्सेसफुली चल रहा है, अभी तक करीबन 100 लोगों का आगमन हो चुका है, उसमें अभी 7 से 8 कैटरेक्ट डिटेक्शन हुआ है हमारा। तो ये जो भी डिटेक्शन है उनका हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन करवाएंगे, सिलीगुड़ी ग्रेटर हॉस्पिटल में ले जाके वहाँ पे ले जाना, उनका लाना, ये सारा हम लोग स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे 50 साल के उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं जिनको रीडिंग का प्रॉब्लम है, उनको हम लोग स्पॉन्सरशिप में रीडिंग क्लासेस भी दे रहे हैं। और जैसे कुछ लोग हैं जिनको आँखों का पावर का प्रॉब्लम है या फिर छोटी छोटी दिक्कतें हैं, उसके लिए हमारे डॉक्टर टीम बैठी हुई है, वो इस चीज़ का भी जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ आज हम लोग ये सारा कार्यक्रम जो आज हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं वो इनके सहयोग से हो रहा है, इनके सपोर्ट के कारण आज हम लोग ये खोखला बस्ती में कार्य कर पा रहे हैं। और दूसरी एक और कार्यक्रम हमारा साथ ही साथ चल रहा है जो कि फूड फॉर ऑल प्रोग्राम है हमारा लायंस का, जिसमें हम लोग आज खिचड़ी का प्रबंध किए हैं। खिचड़ी बन रहा है, स्वादिष्ट खिचड़ी बन रहा है जो लोगों के बीच में वितरण किया जा रहा है और उन्हें खिलाया जा रहा है। संजीव संस्था द्वारा भनौँ लायन क्लब अफ जयगाउँ शिवालिक द्वारा तपाईँहरूको गाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा आएर निःशुल्क नेत्र जाँचको शिविर लगाउनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम नमस्ते है। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। हिजो भर्खरै हामीले तपाईँकै मिडिया मार्फत हामीले सबैलाई सूचना पनि दिएको थियौँ होइन, र सबैजना जति पनि आँखाको प्रब्लम छ है, जतिलाई पनि प्रब्लम भएको छ उहाँहरू आउनुभयो है, र राम्रै भइरहेको छ। र उहाँहरूले जुन भन्नुभएको थियो है, आई क्याट्र्याक्ट है, उहाँहरू होइन त्यो जति पनि क्याट्र्याक्टको जति पनि प्रब्लम छ उहाँहरूलाई यो तुरन्त पर्सि मङ्गलबारको दिन उहाँहरूले अपरेसन गर्नु सिलिगुडी लानुहुँदैछ है, निःशुल्क एकदम फ्रीमा। उहाँ लगेर वेनसडे अपरेसन भएर थर्सडेको दिनमा उहाँहरूले पुरै पनि दिनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ है। सो उहाँहरूलाई एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, एकदम सम्पूर्ण है खोकलाको तर्फबाट, खोकलावासीको तर्फबाट नै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। उहाँहरूले जुन हाम्रो गाउँको प्रति, हाम्रो गाउँमा आएर, हाम्रो गाउँको बिचमा आएर उहाँहरूले जुन गर्नुभयो है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब बिहानदेखिकै चलिरहेको छ कतिजना आएर है, कतिजनाकोमा त बाहिर गएर देखाउने क्षमता भएको हुँदैन है, कति आर्थिक उयो भइरहेको हुन्छ, र उहाँहरूलाई पनि धेरै नै राम्रो राहत पायो होला भन्ने मलाई लाग्दैछ है। र त्यसैको कारणले चाहिँ म जयगाउँ लायन्स क्लब अफ शिवालिकलाई चाहिँ म एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै स्वादिष्ट भोजन है, एकदम स्वादिष्ट खिचडी पनि हामीले पनि खायौँ है, एकदमै राम्रो थियो, त्यो सबै चिजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै अझै अगाडि बढी जाउँ, अझै अगाडि है अग्रसर भएर अझै धेरै हाम्रो गाउँको प्रति सेवा गर्न सकोस् भन्ने कामना पनि गर्दछु। धन्यवाद।